तो भाइयों जैसे आपको पता है मैं हर बार नई नई बढ़िया बढ़िया चीज़ लेके आता हूँ, आपके हर बार पैसे बचवाता हूँ, तो आज आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। अनलिमिटेड मैंने कुछ ढूंढ लिया जहाँ आपको अनलिमिटेड खाने को भी मिलेगा और यहाँ जो चीज़ें हैं वो रेस्टोरेंट का सामान मिल रहा है ढाबा प्राइस में। तो अभी हम चलने वाले हैं, मैं अपनी नीलू में बैठ के जाने वाला हूँ, बिल्कुल मैंने उसको चमका के रखा हूँ। तो भाई ये है मेरी नीलू, मैंने इसको बिल्कुल चमका के रखा है। आज मैं जा रहा हूँ अनलिमिटेड खाने के लिए, यहाँ कुछ अनलिमिटेड मिलेगा और बहुत सस्ता सस्ता मिलने वाला है। तो बस अभी पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक आप कर लो सब्सक्राइब। तो फिर वहाँ चलते हो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ क्या क्या मिलने वाला है। मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पे, पहुँच के आपको मैं पूरा दिखाऊंगा क्या क्या मिलने वाला है बहुत सस्ते रेट में। पहुँच गए हैं पंजाब माइल्स में, बिल्कुल पहुँच गए, देखो 0 माइल्स, क्योंकि हम बिल्कुल सामने खड़े हैं। होम डिलीवरी भी मिलती है, बिल्कुल फ्री में होम डिलीवरी है। और सबसे बड़ी बात, अब मैं आपको दिखाऊंगा अनलिमिटेड यहाँ पे क्या मिलने वाला। लो जी, यहाँ मिलेंगे अनलिमिटेड गोलगप्पे 30 रुपये में। और ये जो है सुभाष नगर में पड़ता है, बहुत ही बढ़िया एंबियंस है यहाँ पे। देखो बात करेंगे कस्टमर से, रिव्यूज़ वगैरह भी लेंगे हम, क्या किस तरह का फूड है और पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस हैं तो क्या किस तरह के मतलब है प्राइजेस और टेस्ट वगैरह हर एक चीज़ क्वालिटी वगैरह पूरी बात करेंगे। जैसे अभी यहाँ थोड़ा मतलब गोलगप्पे वगैरह खा रहे हैं क्योंकि अनलिमिटेड है 30 रुपये में, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और मैं बात करता हूँ, देखो पूरा प्रॉपरली इसको जो है रखा हुआ है पैक करके पॉली बैग में, तो हाइजीनिक इशूज़ कुछ नहीं होने वाले। बिल्कुल ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं। अब बाकी थोड़ा अब ये जैसे खाना स्टार्ट करते हैं तो इनसे फीडबैक वगैरह लेते हैं कि क्या टेस्ट वगैरह है और कब से आ रहे हैं। तो लिमिटेड ये गोलगप्पे इंजॉय कर रहे हैं, बाकी अभी बात करते हैं इनसे, पूछते हैं कि कैसा लग रहा है और ये कब से आ रहे हैं। ये कब से आ रहे हैं यहाँ पे? तो रेगुलर है यहाँ पे, ऑलवेज अवे है। अच्छा, रेगुलर आ रहे हो? व्हेनेवर आई कम बैक, आई कम टू दिल्ली, आई डू कम हियर। अच्छा, दे आर फ्रॉम हियर, ओके, माय कजिन्स। तो आपको टेस्ट वगैरह मतलब कैसा लगता है? मतलब Nice, अच्छा। और सबसे बड़ा जो आपको चीज़ लगती है मतलब अनलिमिटेड, आपको मतलब 30 रुपीज़ में अनलिमिटेड जितने मर्जी लो गोलगप्पे, तो अच्छी बात है ना, जिसका दिल जितना करे उतना खाए, अच्छी चीज़ हो तो कोई क्यों नहीं खाएगा। तो जैसे बता रहे हैं कि कॉस्ट फ्रेंडली है और अनलिमिटेड है और बाकी टेस्ट भी, और स्पेशल जब भी दिल्ली आते हैं तो यहाँ से ही खाते हैं। तो बाकी अभी अंदर चलते हैं, तो किचन में कुछ फूड प्रिपेयर हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हाइजीनिक के हिसाब से अंदर कैसे होता है। जब जैसे बाहर मैंने आपको दिखाई दिया था कि पूरा हाइजीनिक, इसमें पूरा ध्यान दिया जा रहा है हाइजीनिकनेस का। ये देखिए प्रॉपरली इसको पैक किया हुआ है और ग्लव्स वगैरह पहन के प्रॉपरली सर्व कर रहे हैं। और बिल्कुल वो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आप इधर थोड़ा आ जाइए कैमरा मैन, जैसे इधर रखा हुआ है बिल्कुल जो गोलगप्पे का पानी वगैरह होता है, बिल्कुल यहाँ से आप डायरेक्ट उससे ले रहे हो, तो कोई वो जैसे वो पुराना सिस्टम नहीं अंदर हाथ डालने वाला, पूरा सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। तो चलिए अब अंदर किचन की तरफ चलते हैं और उसके भी रिव्यूज लेते हैं। सर आपने क्या क्या मंगवाया? मैंने मलाई चाप, मलाई चाप मंगवाई है। और सर छोटे पनीर बटर मसाला, मलाई चाप और पनीर बटर मसाला। सर तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा लग रहा है। तो आप ये पहले भी आते हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम ट्राई, फर्स्ट टाइम। तो फिर अगर आप फ्यूचर में आना पसंद करेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। और सर कॉस्ट की बात करते हैं तो मतलब कैसे, आपको पॉकेट फ्रेंडली है या थोड़ा सा? पॉकेट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली है। तो आप मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। तो देखिए कस्टमर्स के भी मतलब जैसे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो बाकी अभी और कस्टमर्स हैं उनसे भी बात करते हैं। तो सर आप डेली आ रहे हैं यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर आपने क्या क्या ऑर्डर किया है थोड़ा बता सकते हैं? अली फिलहाल तो मैं चाप ऑर्डर देती है। अच्छा जी, बाकी अपना फेवरी अपना राती आया मैं, ठीक है, मुझे अपना दो चार आइटम ऑर्डर कर देने, ठीक है, अच्छा ऑर्डर अपना गया। तो मतलब आप खुश हो? सेटिस्फाइड। तो जैसे कि बता रहे हैं बहुत अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना है, पॉकेट फ्रेंडली खाना है, टेस्टी खाना है। और जैसे कि कह रहे हैं कि मैं डेली आता हूँ, जब से खुला है डेली आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ से कस्टमर्स का। क्या लगा रहे हो भैया? सर ये बटर नान, बटर नान लग रहा है। अच्छा पराठा। तो बिल्कुल देखो बिल्कुल फ्रेश यहाँ बिल्कुल खाना बनता है, तो क्वालिटी का भी बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बना रहे हो भैया? दाल तड़का, दाल तड़का बन रही है। मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा कैमरा मैन को रिक्वेस्ट करता हूँ आगे। प्याज वगैरह भर के डाल रहे हैं, कंजूसी नहीं है जा रही। अब डल गई दाल, क्या आप देख रहे हो दाल डल गई है इसमें। बिल्कुल जेन्युइन अमूल बटर यूज़ कर रहे हैं उनको, और जैसे कि कस्टमर से भी फीडबैक वगैरह, ये टेस्ट का भी ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। एक बार
ये क्रीम डाल रहे हैं, अमूल क्रीम डाल रहे हैं, अमूल की क्रीम डाली जा रही है यहाँ पे। बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जा रहा है क्वालिटी का, बिल्कुल बढ़िया सी प्रिपरेशन हो रही है। तो अभी बाहर चलते हैं और मैं आपको पहली बार जाता हूँ यहाँ पे क्या क्या बटर नान हो गया तैयार है, बढ़िया मक्खन अक्खन लगा रहे इसको। देखो जी, देखो भाई चम्मच से डाल रहे हैं, बिल्कुल सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखो जी सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, बढ़िया देखो कितना बढ़िया मक्खन डाल दिया इसमें अमूल का। बिल्कुल मेन्यू भी, ये मेन्यू है इनका, काफ़ी सारी आइटम है। और जैसे कि बताया मैंने आपको, यहाँ जो है काफ़ी सस्ते रेट में, ढाबे के रेट में रेस्टोरेंट का आपको खाना यहाँ मिलेगा। आप पूरा देख सकते हो मेन्यू, काफ़ी सारी आइटमें हैं। तो थोड़ा सा मैं कुछ लगवाता हूँ, मैं दाल मखनी, शाही पनीर और लच्छा पराठा वगैरह दो चार आइटमें लगवाता हूँ और उसको टेस्ट करके आपको बता। दाल मखनी जो है मैं ले रहा हूँ थोड़ी सी, ये देखो थोड़ी सी दाल मखनी ले ली मैंने, और ये शाही पनीर, थोड़ा सा शाही पनीर ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया, थोड़ा सा ग्रेवी ले ली क्योंकि शाही पनीर का जो मेन टेस्ट होता है ना ग्रेवी से बनता है, ठीक है। और ये एक पीस ले लिया मैंने। तो ये है हमारी, थोड़ा सा पहले है शाही पनीर की ग्रेवी ट्राई करता हूँ। एक ख़ास बात है इसमें, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना जो शाही पनीर में, वो चीज़ नहीं इधर। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है क्योंकि नॉर्मली कहीं भी खाने जाते हैं हम, मीठा होता ही होता है शाही पनीर में, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। बाकी दाल मखनी ट्राई करते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि दाल मखनी में जो है, दाल मखनी तो औसम है, ये तो एक चम्मच में और लूँगा। दाल मखनी इनकी जो है बहुत बढ़िया। अब ये बटर नान जो है कि थोड़ा सा मैं ट्राई करके आपको टेस्ट बताता हूँ बटर नान का भी। तो आइटम मैंने ये दो लगवाई, बाकी बहुत सारी आइटम है इनके पास, बट मैं थोड़ा सा बटर नान जो है टेस्ट करके बताता हूँ इसके साथ। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल क्रिस्पी है, सबसे बढ़िया बात। तो ये सबसे फेमस जो मैंने आपको मेन चीज़ बताई थी, मूर्थल लच्छा पराठा है, देखो भाई। तो इसको खाने के लिए ना अब आपको मूर्थल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन ले लेता हूँ, ये देखो भाई। इसके अंदर आलू प्याज भरा हुआ है, जैसे मूर्थल में होते हैं ना वो आलू के पराठे, बड़े फेमस है वो मूर्थल में, स्पेशल हम खाने जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो वो चीज़ यहाँ मिल रही है। ये मूर्थल लच्छा पराठा में आलू स्टफ़ किया हुआ है बढ़िया, ऊपर धनिया वगैरह सब बहुत बढ़िया मक्खन के साथ दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मक्खन और लगा के इसको मैं खा के बताता हूँ आपको। तो सही में अब आपको ना मूर्थल जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ही बढ़िया, ये तो मैं एक बाइट और लूँगा, ये तो बहुत ही बढ़िया। मैं खुद स्पेशल मूर्थल जाता हूँ ये खाने के लिए, बहुत बढ़िया। और ये चीज़ जो है, तो भाइयों ये जो है ये मैंने मंगवाई है 30 रुपये की प्लेट, इसमें 6 पीस हैं जैसे कि आप देख रहे हो। इसको कहते हैं भड़वा गोलगप्पे, देखो भैया जो स्टफ़ किया हुआ है, तो देखो इसके अंदर दही वगैरह सब डाली हुई है। बाकी मैं टेस्ट करके बताता हूँ अभी, बहुत बढ़िया। अब तो मेन चीज़ है, सब लोग जो मांगते हैं ना, इसको कहते हैं जेन्युइन मलाई टिक्का। ये देख रहे हो भाई, मलाई से भरा हुआ है। तो ये जो पंजाबी बंदे हैं ना मलाई टिक्का जो लाइक करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया होने में। प्याज व्याज बढ़िया, चटनी साथ में दे रहे हैं, तो थोड़ी सी मैं चटनी भी ले लेता हूँ। बढ़िया, इसको कहते हैं जैसे फुली लोडेड कहते हैं ना वो चीज़ें। तो एक आइटम जो इन्होंने स्पेशल कह रहे हैं कि मलाई चाप टिक्का रोल, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। चाप टिक्का रोल है, ये क्वांटिटी आप देख रहे हो, एक प्लेट की अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो भाई मतलब अगर आप एक प्लेट मंगवाते हो ना तो दो बंदे आराम से खा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिकल रेट है, वो चीज़ बढ़िया क्वालिटी अच्छी है। तो ये भी टेस्ट करके मैं बताता हूँ, थोड़ी चटनी मैंने लगा ली इस पर, थोड़ी सी चटनी मैंने लगा ली है, बाकी थोड़ा टेस्ट कर बताऊँ। अंदर का टिक्का है वो बहुत सॉफ्ट है, टेस्ट बढ़िया है। बाकी वही है कि आप आओ ट्राई करो, क्योंकि रेट भी बहुत जेन्युइन है, तो आप ट्राई तो एटलीस्ट आके कर ही सकते हो। आप ट्राई करो, बाकी कमेंट में मेरे को बताना आपको खाना कैसा लगा।
और हाँ एक चीज़ और जो है, ये गुलाब जामुन मंगा रखे हैं, बिल्कुल वो काफ़ी गर्म है, गर्म फ्रेश बिल्कुल मिले हैं। जो मीठा लाइक करते हैं उनके लिए तो बढ़िया चीज़ है, खाने के बाद कई बंदे मीठा मांगते हैं। बढ़िया, तो गुलाब जामुन भी इनका बढ़िया है, सॉफ्ट है। बाकी यही है सारा, बताता हूँ यहाँ की खास बात, जो वेजिटेरियन भाई है मेरे वो बड़े परेशान होते हैं कि भाई वेज रेस्टोरेंट हमारे वेस्ट दिल्ली में बहुत कम है, तो ये 100% वेज है। यहाँ वेज में पूरी आपको वैरायटी मिलने वाली है, आप आओ आराम से खाओ। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, जेन्युइन रेट में सब कुछ मिलेगा, बढ़िया रेट है, क्वालिटी बढ़िया है, कस्टमर के फीडबैक मैंने आपको दिलवाई दिए हैं, कस्टमर जो कह रहे हैं। बाकी आप आओ खाओ, कुछ बहुत ज़्यादा रेट तो है नहीं, आप एक बार ट्राई करो। मैंने आपको दिखाई दिया जो कि मैंने टेस्ट करके आपको रिव्यूज़ वगैरह दिए, बाकी मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, आप इधर दाल मखनी और मूसल पराठा और मलाई चाप रो भड़वा स्टफ बोल रखे, ये आइटम तो ऑसम है, आओ तो बिल्कुल ट्राई करो। बाकी मेरे साथ रेस्टोरेंट के ओनर हैं तो बात करते हैं सर से। तो मतलब इनका जो मेन कहने का मतलब इनका मोटिव ये है कि भाई मतलब पॉकेट फ्रेंडली जो है कि हर एक बंदा जो है फूड यहाँ से खा सके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अगर हम हाई क्वालिटी खाना कहीं खाने जाते हैं तो अच्छे खासे रेट चार्ज होते हैं, जो कि नॉर्मल जो मिडिल क्लास बंदा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है आपने मेरे को लगी, बाकी आगे अपना मन लगा है, क्योंकि मैं जब वहाँ फूड टेस्ट कर रहा था तो दो बात जो है ओनर खुद आए मेरे से पूछने कि आपको कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये चीज़ बहुत अच्छी मेरे को लगी। तो बाकी सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं हर बार सस्ती सस्ती जगह ढूंढ के अपने ऑडियंस को दिखाता हूँ, तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा सर, अगर मतलब आपके यहाँ कोई आता है जिसके घर छोटी मोटी पार्टी करनी है या कुछ मतलब घर में थोड़ी कुछ गैदरिंग है और कुछ करवाना चाहते हैं आपके यहाँ से, तो कुछ अरेंजमेंट होती है? बिल्कुल अरेंज हो सकता है, हमारे यहाँ 20 लोगों से लेकर 2000 आदमी तक का केटरिंग का पूरा प्रोसेशन है। अच्छा जी, हमारे पास सारी आउटडोर केटरिंग हम करते हैं, घर में 10-20 लोगों का खाना प्रोवाइड करना हो वो भी हम करते हैं। ठीक है, और रेट भी हमारे बहुत रिजनेबल है, आपने देखा ही है, चेक किया है, वो मैंने मेन्यू कार्ड एक बार देखा, हाइजीनिक है, नीट एंड क्लीन सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, किचन से लेके बाहर तक, किचन ऑपरेशन से लेके बाहर तक, और आपने देखा ही है, टेस्ट किया, और सबसे बड़ी खूबी है हमारे खाने की, सबसे बड़ी खूबी हमारी यही है कि रेस्टोरेंट का खाना ढाबे के रेट में प्रोवाइड करते हैं, सबको सूट करता है, हमारे यहाँ की ऐसी लिमिट नहीं है, कोई भी खा सकता है, कोई भी आ सकता है, और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, मेहमान नवाजी बिजनेस है, इसमें आप यू वी आई सेवा का मौका दीजिए, हम आप ही के लिए बैठे। तो जैसे कि सर ने बताई थी, आपने देख लिया कि 20 लोगों से लेकर 2000 लोगों तक की कैटरिंग जो है उनको करवा देते हैं, तो सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जो आप कैटरिंग तो सर्विस प्रोवाइड कराते हो वो विद इन दिल्ली होती है, अगर दिल्ली से बाहर कोई आपकी कैटरिंग सर्विस? बिल्कुल होती है, दिल्ली NCR में प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये आउटडोर कैटरिंग। ठीक है, तो मतलब दिल्ली के अलावा जैसे दिल्ली से नेबरिंग स्टेट्स है, मान लीजिए जैसे हम गुड़गांव की बात करते हैं, नोएडा की बात करते हैं, NCR वगैरह भी पूरा कवर हो रहा है। तो बाकी नंबर वगैरह मैंने दे दिया है, कुछ भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो कैटरिंग से रिलेटेड कुछ पूछना हो, या यहाँ आपने आना हो तो कॉल करके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली लोकेशन सर, अगली इन्फॉर्मेशन सर, तो मिलिए, बाय बाय।